नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि RRB NTPC में नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें रॉ स्कोर कैसे निकलता है। जैसे आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से 15 गलत हो गए, तो आपको 90 माइनस 15 तो निगेटिव मार्क 1/3 होता है। तो 15 गलत था तो 15 का 1/3 कर देंगे, इसे काट देंगे, तो आगे हमारा 70 जो है रॉ मार्क्स है। अब आगे चलते हैं नॉर्मलाइजेशन निकालने के लिए रॉ स्कोर और एवरेज स्कोर ज़रूरी होता है। अब जैसे ये जो नॉर्मलाइजेशन निकाले जाता है, इसमें मान लीजिए कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया और 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, शिफ्ट डी। शिफ्ट ए में 60% मार्क है लोगों का, और शिफ्ट बी में जो एवरेज मार्क है वो 55%, शिफ्ट सी में एवरेज मार्क 70%, शिफ्ट डी में एवरेज मार्क 65% है। तो ओवरऑल जो एवरेज है उसे हम निकालते हैं। तो ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए 60 + 55 + 70 + 65/4 कर देंगे, तो जो एवरेज मार्क हमारा निकलता है वो आता है 62.5। ये हमारा एवरेज स्कोर है ओवरऑल। अब शुरू करते हैं निकालना नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन कैसे निकलता है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन निकालने के लिए सभी कैंडिडेट का, ऑल कैंडिडेट, ऑल शिफ्ट में मान लीजिए जो एवरेज मार्क है वो है 25 और एवरेज मार्क 0.1% कैंडिडेट का 75 है। जो टॉप के 0.1% कैंडिडेट है उनका एवरेज मार्क 75 है और एवरेज मार्क ऑफ ऑल कैंडिडेट इन योर शिफ्ट, आपके शिफ्ट में जो एवरेज मार्क है वो है 80 है और एवरेज मार्क ऑफ ऑल कैंडिडेट इन योर शिफ्ट 30। एक बार फिर से बता देते हैं, सभी कैंडिडेट का सभी शिफ्ट में ए बी सी डी, या 4 है तो ए बी सी डी, अगर ज़्यादा है तो ए बी सी डी ई एफ, जो एवरेज मार्क है वो 25 है और टॉप के 0.1% कैंडिडेट का जो एवरेज मार्क है वो 75 है और टॉप के 0.1% का जो एवरेज मार्क आपके शिफ्ट में है वो 80 है और एवरेज मार्क ऑफ ऑल कैंडिडेट इन योर शिफ्ट, आपके शिफ्ट में जो एवरेज मार्क है कैंडिडेट का वो 30 है। मान लीजिए आपका ईजीएस्ट शिफ्ट है और आपने स्कोर किया है 60, आपने 60 स्कोर किया है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे निकलता है उसके लिए देखिए, जो 0.1% कैंडिडेट है, ऑल कैंडिडेट 0.1%, उनका एवरेज मार्क उसमें से घटा देंगे सभी बच्चों का, सभी शिफ्ट के सभी बच्चों का एवरेज मार्क अपॉन जो आपके शिफ्ट में टॉप 0.1% थे उनका एवरेज मार्क माइनस आपके शिफ्ट में जो एवरेज मार्क था उसे माइनस कर देंगे। अब जो भी आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपका मार्क्स माइनस आपके शिफ्ट में एवरेज मार्क, जितना भी आएगा उसमें सभी कैंडिडेट का सभी शिफ्ट में जो एवरेज मार्क था 25 उसे ऐड कर देंगे, तो आ गया 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका सबसे ईजीएस्ट है, ईजीएस्ट अगर आपका शिफ्ट था तो आपके स्कोर से भी कम आ जाता है नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइज का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा मार्क्स बढ़ेंगे, घट भी सकते हैं अगर आपके ईजीएस्ट शिफ्ट में था तो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।